जिसमें आज तक इंडिया टीवी फलाना फलाना है, और मैं ये जो कंट्रोवर्सी हुई थी फेक कंट्रोवर्सी, इसके बारे में बोलना चाहता हूँ। मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ सलमान जी को कि क्योंकि मैंने भी उसमें कुछ कुछ बोला है, तो वो मैंने देखा, स्क्रीनशॉट ले लिया और वहाँ से ग्रुप से एग्जिट हो गई। तो जैसे एग्जिट हो गई तो भाई साहब ने वो मैसेज डिलीट कर दिया। तो भैया जिसको करना होता है वो बोलते नहीं है, मैंने किया है फिर आप लोग यहाँ पर आए हो। हेमा, उसके बावजूद उन्होंने आप पे एक एलिगेशन लगाया कि वो 20 दिन बाहर रहते थे, 10 दिन आपसे मिलने आते थे। वो 20 दिन क्या होता था वो उन्हें नहीं पता। अच्छा, कहीं ना कहीं वो ये भी कह रहे कि आप चीट कर रहे थे। जैसे कि किसके साथ? वो मेरा बॉयफ्रेंड का नाम नहीं बताया उन्होंने? नहीं, उन्होंने सिर्फ इतना बताया कि वो 20 दिन बाहर रहते थे, 10 दिन आते थे, उसके बाद भी कहीं ना कहीं आप वो 10 दिन उनके साथ देते थे, पर 20 दिन क्या होता था उसके बारे में उन्हें नहीं पता। तो क्या कहना चाहोगे? वो आदमी का जब मन करता था वो तब आता था, हर हफ्ते आता था। मैं जिस दिन से उस आदमी को मिली वो कभी मुझे बता के नहीं आए। उसको लगता था कि मेरा कहीं चक्कर है, मुझे रंगे हाथ पकड़ना चाहता था। लेकिन होता तो मिलता ना, मैं हमेशा सोए भी मिलती थी, या तो खाते भी मिलती थी या नहाए भी मिलती थी। हमेशा वो घर की चाबी रखता था, हमेशा हर हफ्ते आता था। इवन वो अपने ऑफिस के जो लोग हैं उनसे झूठ बोला करता था कि मैं आज इस कंट्री में हूँ, और यहाँ का फोटो चिपका देता था, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज मैं घर से काम कर रहा हूँ। उसको यहाँ हर हफ्ते आने की लगी रहती थी। उसको लगता था कि उसकी घरवाली भाग जाएगी। क्यों भागेगी भैया, तेरे अंदर कमी है क्या कुछ? मैं तो नहीं भाग रही, मैं तो नहीं जा रही युगांडा। सेम मेरे साथ भी तो हो सकता है, मुझे भी तो डाउट हो सकता है, लेकिन मुझे पड़ी नहीं है। इस आदमी ने मुझे इतना परेशान किया, वो मुझे क्या क्या करूंगी उसका, मैं जान के मेरी तरफ से तो भूखा, आई डोंट केयर, तुझे मेरी पड़ी होगी, मुझे नहीं पड़ी है। तो वो हर हफ्ता आता था, और 20 दिन तो हमने ज्यादा बता दिया, महीने के वो 35 दिन यही रहता है, 35 होते ना, हाँ चल नहीं सॉरी ज्यादा बता दिया मैंने, 25, 5 दिन वहां रहता था बस वो। और उसको सब पता रहता था, सलून में जाती थी ना तो वीडियो कॉल, किसी के पास बैठी हूँ तो वीडियो कॉल, ऑफिस में हूँ तो वीडियो कॉल। ऑफिस भी इसलिए बंद कराया क्योंकि उसने बोला मैं धंधा करती हूँ ऑफिस में बैठ के, मैं समाज सेवा के ऑफिस में बैठ के धंधा करती हूँ। जो मेरे एक तो दोस्त आ गए, प्रोड्यूसर आ गए, डायरेक्टर आ गए, तो क्यों बुला रही हूँ उनको? समोसा खिला के साले पैसे तो देते नहीं है ये लोग, क्या समोसा खिलाने के लिए ऑफिस खोला है क्या? ये बात जब मेरी एडवोकेट को पता चली, पहली वाली को, उसने बोला हेमा जो आदमी समोसे गिनेगा वो आदमी तेरे को पैसा देगा क्या? ये तो कर्सी होती है कि कोई आदमी आए तो पानी दे। बोले ऑफिस में वही आदमी होना चाहिए जो पैसा देके जाएगा फाउंडेशन के नाम का। मैंने किसी से मांगा नहीं। उनके 2 लाख रुपए फंड आया था उनकी कंपनी से, वो 2 लाख रुपए आज भी वैसे का वैसा है उनके अकाउंट में मेरे, हमारे हेमलता चैरिटेबल। उसने तो फाउंडेशन इसलिए खोली थी कि वो करोड़ों का फंड लेगा, जब नहीं आया तो उसको बुरा लगने लगा। जब एक औरत के ऊपर इल्जाम लगेगा कि ऑफिस में तू धंधा कर रही है, क्या वो औरत ऑफिस में जाके बैठेगी? मैंने बंद कर दिया वो ऑफिस, 15 दिन हो गए मैं गई नहीं। मेरे घर की काम वाली को हटा देता था, काम वाली लगाएगी तू? तेरे बाप ने भी लगाई है कभी काम वाली? पोछा लगाएगी तू? और पूछो। जैसे कि आपने कहा कि बच्चों पे वो अत्याचार करते थे, वैसे ही जब मेरा बड़े वाला उसके वाले, हाँ, और जब उनकी ही फैमिली की बात आई, कहीं ना कहीं उनके भाई के बेटे से आपको काफी प्रॉब्लम था उसके बाद। अभी बताती हूँ। मैंने तो इस आदमी का वो रूप देखा है कि फंक्शन हुआ मेरे बेटे का, जैसे 11 दिन का फंक्शन होता है, उसमें दारू पी के उसने हंगामा कर दिया, जिसमें इसने अपने भाई की कर दी बेइज्जती, धज्जे उड़ा दी, मुंह पे थूक के। 100 लोग थे उस दिन फंक्शन में, इसने अपने भाई की जो बेइज्जती की, उसके भाई और भाभी बेहोश हो गए थे। और फिर उसके बाद इसकी फ्लाइट थी, फिर फ्लाइट इसने कैंसिल करके माफी मांगने आया, फिर उसके बाद दूसरा भी फंक्शन होता है, फिर उसमें भी झगड़ा करता है। तो उसमें दारू झेलती नहीं है, दारू करके ये झगड़ा करता है। और रही आपकी बात, तो मेरा अधिकार है, मेरा पैसा ले रहा है क्या वो कि मैं बोलूंगी? अगर मैं इतनी पैसे वाली होती तो आज वो मकान जो है ना अलीगढ़ का, उसमें मेरा नाम होता। मेरा अधिकार क्या है इसके पैसे पे बोलने का कि तू इसके बच्चों को कर, तू उसके बच्चों को कर, ये बताना। और अगर ये बात है तो उसके भाई ने, सगे भाई ने मुझे बोला, अगर हमें पहले से पता होता कि तू बच्चे की माँ है तो हम तो करने ही नहीं देते। तो भैया मुझे भी अगर पता होता कि तुम्हारे भाई की पहली बीवी की क्या दुर्दशा हुई थी तो क्या मैं कर लेती? तेरे तुम्हारा भैया इतना मीठा बना। हेमा मैं यश को बहुत प्यार दूंगा, जो मेरा बड़ा बेटा, मैं यश को बहुत प्यार दूंगा, हम दूसरा बच्चा भी नहीं करेंगे। यश इज इनफ, इसी को मैं बहुत बड़ा करूंगा, पालूंगा पोसूंगा। लेकिन जैसे मेरा दूसरा बच्चा, जिस दिन मैं जा रही थी ना डिलीवरी करने, मेरे बच्चे को बोल दिया था ये मनहूस का बच्चा नहीं आना चाहिए, इसका साया नहीं पड़ना चाहिए। मैंने बोला मेरा बच्चा है ये आएगा, मुझे बोलता, इसको बोलता था दूर हट, मेरे बच्चे से दूर हट,
तेरी मनहूस शकल इसमें पढ़नी नहीं चाहिए, कुत्ते की औलाद, भिखारी की औलाद। क्या सुनोगे तुम सबकी रूह कांप जाएगी अगर दिखा दूंगी तो कुछ। मेरे सामने मेरे बच्चे को जलील किया जा रहा था, मजबूर थी मैं, ये बोली ना कि क्यों नहीं फाइल की थी। मुझे लग रहा था समाज क्या बोलेगा, लोग क्या बोलेंगे कि तू से शादी नहीं चला पाई। ये 31 मार्च के बाद मैंने बोला भाड़ में जाए समाज, तब जाके मैं गई कि ये तो बोलता है मैं इसको डिवोर्स दूंगी, और उसको हजम नहीं हुआ वो कि यार मैं तो बोलता था, ये तो जाके बैठ गई। तब उसे लगा ये क्या हो गया, तब उसने कैलकुलेट किया कि कितना बचेगा और कितना जाएगा। अरे एक बार बोल के तो देखता कि एमा मेरे पास नहीं है, एमा तो इतनी दिलदार लेडी है, मेरे पास जो होता वो भी तेरे हाथ पे रख देती कि जा तुझे मुक्त कर दिया, बोल के तो देखता एक बार। लेकिन अभी अगर मैं बात करूं, अभी आप क्या चाहती है? सेटलमेंट चाहती है, डिवोर्स तो ठीक है, लेकिन वो अभी बहुत सारे यू नो पैसों को लेकर बोल रहे हैं कि आपने सिर्फ और सिर्फ उनसे पैसे ही, हर महीने का आपका 1,00,000 रुपए का खर्चा है, खर्चा था। हाँ, अप्रैल के बाद कोई पैसा नहीं भेजा है, बता देती हूँ। अप्रैल में लास्ट पैसे भेजे थे 1,00,000 रुपया, वो मैंने 15 मिनट नहीं लगाए वापस भेजने में। सुन अब मेरे पास कोई मेरे ऊपर कोई एहसान मत करना, अपनी खुद की रोटी मैं खुद के पैसे से खाऊंगी। उस दिन के बाद मैं कोई पैसा नहीं लिया, 1 रुपया भी नहीं लिया है, 35,000 रुपए का सिर्फ रेंट, वो भी इसलिए क्योंकि वो डायरेक्ट देता है। और मैंने अपनी वीडियो में बोला है कि सुन अगर ये रेंट भी नहीं भरना हो ना तो मत भरना, एमा शर्मा के इतने के अंदर इतना दम है कि ये 35,000 का रेंट भी खुद भर लेगी, ये मैंने बोला हुआ है। तो जो औरत पैसे की लालची होगी ना वो ये बोलेगी नहीं, वो लाइट का बिल भी भरवाएगी, खाने का बिल भी भरवाएगी, और बच्चा जो दूध पीता है वो भी भरवाएगी, बच्चा तो उसी का है ना, वो बोलता है ना। तो उनका पूरा नहीं करते वो अभी, है वो बच्चे का पूरा नहीं करते जो अप्रैल से मैंने क्या लिया बताओ, कुछ नहीं लिया, जीरो। सिर्फ 35,000 रुपए घर का किराया है, इससे पहले मैं 71,000 रुपए घर में रह रही थी। मुझे बोलता था यूट्यूब से 71,000 रुपए भी नहीं कमा पाती है तू, उन्होंने मेरा यूट्यूब चैनल में इसलिए सपोर्ट किया क्योंकि उनको लगा मैं 10,00,000 रुपए कमाऊंगी। बोलते थे अब तू पैसा कमा, अब मैं घर में बैठूंगा तेरे लिए पराठे बनाऊंगा, मेरा बहुत हो गया तू पैसे कमा। जब मैं 10,00,000 रुपए नहीं कमा पाई, जब मैं 1,00,000 रुपए भी नहीं कमा पाई, तो उन्होंने बोला घर का किराया भी नहीं निकाल पाती तू, तेरे चक्कर में 1,00,000 रुपए तो किराया जा रहा है मेरा। फिर मैंने अब उससे परेशान होकर 35,000 के घर में रह रही हूँ कि कल को ये आदमी ने, वो आदमी ने मेरे को उस घर से कितनी बार बोला है किराए में भर रहा हूँ निकल, कि चलो कल को अगर घर के रेंट भरने की बात आएगी तो मैं 35,000 रुपये भर सकती हूँ, इसलिए मैंने छोटे घर में रहना मंजूरी किया। अगर कस्टडी की बात करूँ तो छोटे बच्चे की कस्टडी आप किसको अपने पास रखना चाहूंगी या लीगली तौर पर माँ के पास आती है, ठीक है। उनका रवैया अगर मेरे बड़े बेटे के साथ होता अच्छा तो मुझे समझ में आता, उनके परिवार के साथ होता मेरे साथ होता, वो आदमी का रवैया दारू पीता है, दारू पीने के बाद उसको याद ही नहीं है कि हेमा को उसने कितना मारा था, बोलता है आई एम सॉरी यार हेमा मुझे तो याद नहीं है, तो क्या मैं छोड़ दूं? मतलब आप